उज्जैन पुलिस कप्तान एक्शन मोड पर है। अपराधियों की कमर तोड़ने में लगे उज्जैन को अपराध से मुक्त करने में लगे हैं और कामयाबी मिलती जा रही है। एसपी ने विगत दिनों में अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए कई बड़ी करके अपराधियों के साम्राज्य को खत्म कर दिया है, जिसकी प्रशंसा शहर के साथ प्रदेश में भी हो रही है। लेकिन कुछ चुनिंदा पुलिसकर्मी पुलिस की छवि खराब करने में लगे हैं, जिससे ईमानदार पुलिसकर्मी भी शंका के घेरे में आ जाते हैं। ऐसा ही एक मामला थाना नरवर का है, जो कि नरवर पुलिस और उज्जैन पुलिस की छवि को खराब करने में लगी है, क्योंकि क्षेत्र के खोकरिया निवासी आरिफ पटेल के साथ कुछ नरवर निवासी लोगों ने बैंक ऑफ इंडिया नरवर के सामने आरिफ के साथ मारपीट की। वो बैंक के जो 74,000 केस जमा करने जा रहे थे वो लूट लिया। वह 20 से 25 लोगों ने फरियादी को घेर कर मारा। जब वह जैसे तैसे अपनी जान बचाकर शिकायत करने नरवर थाने पहुंचा, तब थाना प्रभारी की मनमानी के कारण सामान्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर फरियादी को रवाना कर दिया गया। इसके साथ ही आरोपी के साथ मिलकर फरियादी को भी बना दिया आरोपी, जबकि बैंक ऑफ इंडिया के सामने की घटना बताई जा रही है। लेकिन जब पुलिस बैंक ऑफ इंडिया में लगी सीसीटीवी फुटेज कैमरा चेक करेंगे तो नरवर पुलिस थाना की करनी और कथनी में कितना अंतर है, और आरोपी को बना दिया फरियादी व फरियादी को बना दिया आरोपी। इस प्रकार की हरकत नरवर पुलिस द्वारा की गई है। ग्राम के कई लोग फरियादी आरिफ उस्मान पटेल ने एडिशनल एसपी आकाश भूरिया के पास पहुंचकर पूरी दास्तान बताए। अभी भी आरोपी फरियादी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उज्जैन से राजेंद्र परिहार की रिपोर्ट। दिनांक 23/7 को 2020 को नरवर में आरिफ पिता उस्मान पटेल जिन्हें की ज्ञापन सौंपा है, वो बता रहे हैं कि कथित तौर पे उनके साथ में कुछ घटना हुई है। अब चूंकि घटना के संबंध में जो भी एविडेंस है उसके संबंध में संबंधित राजपत्रित अधिकारी से इसकी विधिवत जांच कराई जाएगी, और जांच में अगर कुछ भी घटनाक्रम इन्होंने जैसा बताया अगर वैसा पाया जाता है तो तत्संबंध में वैसी कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस प्रकार से बता रहे हैं कि सीसी फुटेज कैमरे में देखा जाए, अभी तक पुलिस ने सीसी फुटेज कैमरा चेक नहीं किया, जबकि इतनी बड़ी घटना है लूट की बता रहे हैं, तो क्या पुलिस की कुछ कमियां सामने आ रही है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर सीसीटीवी फुटेज बैंक में है तो निश्चित ही वो सेव और रिजर्व होंगे, और संबंधित राजपत्रित अधिकारी जो भी इसकी जांच करेंगे वो वहाँ से वो फुटेज लेकर के जैसी भी घटना हुई वैसी कार्रवाई की जाएगी। बताएं क्या घटना हुई आपके साथ? 23 तारीख को 11:15 मैं बैंक ऑफ इंडिया नरवर गया था। मुझे वहाँ की मैनेजर जो मैडम है उनसे किसी बारे में चर्चा करनी थी। मैं आधा घंटा बैंक के अंदर रहा। जैसे ही मैं बैंक से बाहर निकला तो वहाँ मेरी गाड़ी के पहले 15-20 लोग खड़े थे। उनने मेरे से कोई बातचीत नहीं करी, आते से ही मतलब मेरे साथ मारपीट करी। कौन लोग थे ये? नरवर के ही हैं। क्या नाम है? नाम बताओ। ईश्वर पिता हरी सिंह, शिवपाल पिता हरी सिंह। कितने लोग थे? लगभग ये 20 लोग थे। पूरे के तो मेरे को नाम नहीं मालूम है, लेकिन 7-8 लोगों के नाम मुझे मालूम है। मारा पीटी करी। इनने मेरे से 74,000 रुपए की लूट करी। अच्छा। और मेरे कपड़े वपड़े सब फाड़ दिए। उसके बाद ये मतलब इनने मेरे को जबरदस्ती घसीटने की कोशिश करी, और उसके बाद में फिर मैं थाने गया। थाने में एफआईआर कराने गया तो मेरी एफआईआर कोई सुनने लिखने के लिए तैयार नहीं। वहाँ पे बोला कि जब टीआई मैडम बोलेगी जब लिखेंगे। मैडम ने क्या बोला? मैडम ने तो